व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम बैक टू ए मॉडिफिकेशंस। सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम अपने बाइक की सर्विस कैसे कर सकते हैं, वो भी इन 410 रुपीज़। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सो गाइस, जो हमारी नॉर्मल सर्विसिंग होती है उसमें हमारा इंजन ऑयल चेंज हो जाता है एंड स्पार्क प्लग और एयर फिल्टर को क्लीन कर देते हैं। बट इन माई केस, मेरे बाइक के ऑलमोस्ट 20,000 किलोमीटर्स कम्प्लीट होने वाले हैं, सो इसलिए मैं एयर फिल्टर और स्पार्क प्लग को रिप्लेस कर रहा हूँ। तो बाइक की सर्विस स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले ये जो नीचे नट है 12 नंबर का, इसको ओपन करना होगा और हमने नीचे एक बकेट रख लेनी है जिससे हमारा ऑयल इसके अंदर ही गिरे। एंड गाइस, ये जो नट है ये बहुत टाइट होगा, तो आपने अच्छे तरीके से फोर्स लगा के इसको ओपन करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं गाइस, हमारा सारा ऑयल इंजन में से ड्रेन हो गया है एंड अब हमने इस जगह को क्लीन करके ये नट को अच्छी तरीके से टाइट करके लगा देना है। गाइस, इंजन ऑयल की कंडीशन को देख के पता चल ही रहा है कि हमारी बाइक को सर्विसिंग की जरूरत थी। गाइस, अब हमने इस इंजन ऑयल को किसी भी लोकल मैकेनिक शॉप पर दे देना है ताकि ये रिसाइकल हो जाए। अब हम गाइस अपने बाइक के एयर फिल्टर को रिप्लेस करेंगे। तो मेरे केस में जो एयर फिल्टर है वो राइट साइड पे लोकेटेड है, तो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा दोनों बॉक्सेस को ओपन करके कि आपका एयर फिल्टर कहाँ पे है। तो सबसे पहले तो गाइस मैं एयर फिल्टर के बॉक्स को क्लीन कर लूँगा एंड उसके बाद ये फोर स्क्रूज को खोल के पुराना एयर फिल्टर निकाल के नया फिल्टर वापस लगा दूँगा। सो अब गाइस हम अपने स्पार्क प्लग को चेंज करते हैं, तो आपने ये प्लग को खींच के साइड पे कर देना है एंड उसके बाद जो आपके बाइक की किट में टूल होता है स्पार्क प्लग को ओपन करने के लिए, उससे अपने स्पार्क प्लग को ओपन कर लेना है। कोई भी चीज़ को लगाने से पहले मैं पुरानी चीज़ से उसको कंपेयर ज़रूर कर लेता हूँ और आप देख ही पा रहे हैं कि जो मैं नया स्पार्क प्लग ले के आया था उसका साइज थोड़ा सा छोटा है, तो अभी मैं इसको चेंज करवा के लेके आता हूँ। सो गाइस, फाइनली मैं स्पार्क प्लग को रिप्लेस करवा के ले आया हूँ और अब हम अपने न्यू स्पार्क प्लग को इंस्टॉल कर देते हैं। आफ्टर इंस्टॉलिंग द स्पार्क प्लग, अब हमें इंजन ऑयल इसके अंदर डालना होगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सारी जगह को क्लीन कर लूँगा ताकि कोई भी डस्ट इसके अंदर ना जाए। फिर हम इस प्लग को यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको ओपन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ प्लायर और अब इंजन ऑयल को डालने के लिए आप किसी फनल का भी यूज कर सकते हैं या फिर कोई भी बॉटल को कट करके उसकी हेल्प से भी आप इंजन ऑयल वापस डाल सकते हैं। आइए गाइस, अब हम इंजन ऑयल को इंजन के अंदर वापस डालते हैं। इंजन ऑयल को इंजन के अंदर वापस डालने के बाद हमने इस प्लग को अच्छे तरीके से टाइट करना है एंड उसके बाद इसको ओपन करके देखना है कि जो हमारा इंजन ऑयल का लेवल है वो पूरा ठीक होना चाहिए। तो मेरे केस में इंजन ऑयल का लेवल बिल्कुल ठीक है एंड अब हमने इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देना है और अब फाइनली हमने अपने बाइक को स्टार्ट करना है। हमने नीचे एक बारी चेक करना है फॉर एनी लीक्स, फिर हमने 5-10 मिनट्स के लिए अपने बाइक को स्टार्ट ही रहने देना है एंड नाउ मैं अपने बाइक को अच्छे तरीके से वॉश कर लूंगा। वॉशिंग हमारे बाइक की सर्विसिंग खत्म होती है। तो इसी के साथ थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर कमेंट द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू AA मॉडिफिकेशंस।